हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कुछ समय पहले टेक्नीशियन की भर्ती निकाली थी, उसके बारे में। बहुत ही शानदार न्यूज़ आपके लिए निकल के आई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट आपकी निकाली गई थी 2024 के अंतर्गत, अलग-अलग आरआरबी बोर्ड के तहत वैकेंसियाँ निकाली गई थी, जिसमें आपकी कुल 9,144 वैकेंसी थी 18 अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, 9,144 वैकेंसी थी 18 अलग अलग कैटेगरी में। इसके अनुसार जो आपकी न्यूज अभी निकल के आई है लेटेस्ट, वो ये है कि इन वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया। अब 9,144 की बजाय 14,298 वैकेंसियाँ होंगी और 40 ट्रेड में वैकेंसी होगी, यानी कि 22 कैटेगरी को बढ़ा दिया गया है और वैकेंसी भी लगभग 5,000 से ज्यादा ही इंक्रीज हुई है आपकी। तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब में जाने का बेहतरीन मौका है, स्पेशल आईटीआई वालों को। इसमें आपको पता होगा कि केवल आईटीआई वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें नोटिस में और क्या चीजें दी गई हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, वो आपको बताते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी, अगर बाय मिस्टेक आप अप्लाई नहीं कर पाए थे तो अब ये आपको मौका मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। ठीक है, इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि दी कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज पोजिशनल एबो रिवाइज वैकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट फॉर ऑल आरआरबी आर इनक्लोज हेयर विद एज रिवाइज वैकेंसी जिस पर सीट्स एनेक्चर भी ऑफ सीईएन 2024। यानी कि आपकी वैकेंसियों को बढ़ा दिया गया है। जो पोस्ट पैरामीटर है, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड और स्टेबिलिटी फॉर दी पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूडी फॉर न्यूली एडेड कैटेगरी फॉर वर्कशॉप या पीयूएस 19 से 40 आर इनक्लोज हेयर। जो भी इसकी कंडीशन है वो एनेक्चर A1 में दी गई है, यानी कि जो 2024 जो आपकी ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट आई थी कुछ समय पहले, उसमें इसके बारे में जो चीजें बताई गई थी वो सेम इसमें रहेंगी। मेडिकल स्टैंडर्ड हो गए, क्वालिफिकेशन होगी, यानी कि केवल आईटीआई वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इसमें है कि अभी जैसे कुछ में बाद वैकेंसी बढ़ाई गई है आपकी, तो जाहिर ही बात है कि कुछ नए बच्चे पास आउट हुए होंगे या अभी आईटीआई के एग्जाम चल रहे हैं वो होंगे, तो इनके लिए भी बहुत ही जल्द 15 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। 15 दिन जो पोर्टल खोला जाएगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, सभी नए पास आउट बच्चे भी, और जो उसमें फॉर्म नहीं भर पाए थे वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना जोन चेंज करना चाहते हैं, पहले आपने चंडीगढ़ जोन से भरा था, अब अहमदाबाद जोन से भरना चाहते हैं, किसी भी अदर जोन में शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो आपको भी 15 दिन का समय दिया जाएगा बहुत ही जल्द, लाइव वेरी शॉर्टली फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज। यानी कि 15 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, इसमें आप नई एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं और अपना जोन भी चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।